ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, इन दिनों तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करते समय आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। कई बार हमें सर्वर अनवाइलेट के प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो कई बार जब हम पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेमेंट टाइम पे सर्वर एरर की प्रॉब्लम आता है, जिससे हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज के वीडियो में आप लोग कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करते हैं इन सब का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट IRCTC की वेबसाइट से या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे पहले तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको मास्टर लिस्ट बना लेना है, यानी कि पैसेंजर डिटेल से आप लोगों को सेव करके रखना है। और आप लोगों को लॉगिन किस टाइम करना है, यानी कि 30 सेकंड पहले या 40 सेकंड पहले आप लोग लॉगिन करना है। यानी कि यदि स्लीपर का टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को 10:59:10-20 में आप लोगों को लॉगिन करना है। कुछ लोग यहाँ पर 1 मिनट पहले या फिर 1.5 मिनट पहले लॉगिन कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बाद सेकेंड बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों के 2 नाम ही टिकट बुक करना है एक साथ। यदि आप लोग 3 से 4 नाम एक साथ बुक करेंगे तो प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसकी वजह से आप लोग जब तक फाइनल पेमेंट तक पहुंचते हैं तो IRCTC के सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम आता है। और आजकल यदि आप पेटीएम से भी टिकट बुक करते हैं, यानी कि पेमेंट यदि पेटीएम से करते हैं, तो पेमेंट करते समय सर्वर एरर की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे पेटीएम यूज ना करके आप लोग यहाँ पे फ़ोन पे यूज कर सकते हैं। और इसके बाद भी इस तरह का अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों को पेमेंट करते समय IRCTC एरर या फिर सर्वर एरर की प्रॉब्लम आता है, तो आप लोगों को पेज को रीलोड करना है, यानी कि उस पेज को क्लोज नहीं करना है। यदि क्लोज करते हैं तो आप लोगों का पेमेंट ऑलरेडी कट गया होता है, और कट करने के बाद आप लोगों को फिर ट्रांजेक्शन फेल्ड हिस्ट्री में शो कर देगा, और इसके बाद आप लोगों को टिकट भी बुक नहीं कर पाएंगे। और फिर से आप लॉगिन करेंगे तो जब तक आप लोगों का टिकट खत्म हो गया होगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट में आ गया होता है, तो आप लोग उस पेज को रीलोड करेंगे। जैसे ही रीलोड करेंगे तो आप लोगों को टिकट बुक हो जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में भी प्रॉब्लम देखने को मिला है। जैसे आप रीलोड करते हैं तो आपको टिकट बुक हो जाएगा, यदि इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो भी। और कई बार आप लोगों को अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर की प्रॉब्लम आ रहा है, यदि इस तरह के प्रॉब्लम आता है और सर्वर से ज़्यादातर इशू होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे बार बार ट्राई करते रहना है। जैसे ही सर्वर सही तरीके से IRCTC का काम करने लगेगा, तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, और उस पेज को आप लोगों को क्लोज नहीं करना है। काफ़ी लोग यहाँ क्या करते हैं, IRCTC को पेज को काट देते हैं, इसके बाद फिर से लॉगिन करते हैं। जब तक लॉगिन करते हैं जब तक सीट भी खत्म हो गया होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखेंगे, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, IRCTC के वेबसाइट से जिस रूट में 2 मिनट तक टिकट रुक जाता है, तो उस रूट में टिकट आप बुक कर सकते हैं। और इस टाइम की बात किया जाए, अब हार्ड रूट में IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट से टिकट नहीं बुक करेंगे, क्योंकि जितने भी हार्ड रूट है, सारे जो टिकट बुक होते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से टिकट बुक किए जाते हैं, जो कि एक इनलीगल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बात समझ गए होंगे। तो बस आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।